हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो जरिए तुहानू मैं दसन जा रही हाँ कि जे अगर तुसी किसी भी स्टूडेंट ने कोपा का कोर्स किया होया मीनस के कंप्यूटर का आई टी का कोर्स किया होया है तो तुसी ईजली किस ढंग दे नाल जॉब प्राप्त कर सकते हो तो किस ढंग अपनी लाइफ में सैट करके वधिया ढंग नाल पैसा कमा सकते हो। सब तो पहले तुहानू दसदी हाँ कि अजकल तुहानू पता ही है स्कूलों के जो कंप्यूटर है हम फस्ट क्लास तो स्टार्ट किया है, क्योंकि पहला की सीगा पहला बच्चे फिफ्थ या एट्थ क्लास तो कंप्यूटर स्टार्ट कराया जाता सीगा तो कंप्यूटर टीचर की लोड़ घट पैंदी सी। बट हुण पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कह दिए भी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली बच्चों को फर्स्ट क्लास तो कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है। तो अगर तुम कोपा का आई टी का कोर्स किया होया है तो तुम ईजली किसी भी स्कूल के जाके एज ए टीचर जॉब कर सकते हो या तुम क्लैरिकल पोस्ट पर भी जाकर उसे काम कर सकते हो, क्योंकि अजक जो पहला जिम्मे डॉकूमेंट्स सारे रजिस्टर के रखे जाते हैं वे वे फाइल बना के रखे जाते हैं, अजक की है बच्चों के पूरे डॉकूमेंट को स्कूलों के एक कंप्यूटर सेव करके रखा जाता है। ये की होंगे एक टाइम की बचत होंगी है और जगह भी घट घेरी जाती है, जिमें कि पहला वोटी वोटिया रूम भरे होंगे सके सर्टिफिकेटा के नाल, अजक ओवरली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, सर्टिफिकेट गुम होने के कोई चांस नहीं है। तो तुम अगर तुम्हें कोपा का कोर्स किया होया है तुम ईजली कितने भी जाके क्लैरिकल पोस्ट हासिल कर सकते हो और एज ए टीचर भी जॉब कर सकते हो स्कूलों के जाके, तो तुम वधिया ढंग के नाल वधिया रिस्पैक्टेड जॉब करोगे। इस तो इलावा अगर तुम किसी शॉपिंग मॉल के गए हो तो पता ही है कि सारी जी बिलिंग है वो भी कंप्यूटर के थ्रू होंगी है, तो तुम तो बिलिंग का काम कर सकते हो, तुम अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हो। अगर तुम्हें प्रॉपर कंप्यूटर की नॉलेज है तो तुम एक घंटे द्लासा बच्चे ने लगा सकते हो, जिमें बच्चे ने किसी ने ऑनलाइन नैट की नॉलेज लैनी है या किसी बच्चे ने एम एस ऑफिस सीखना है तो अगर तुम्हें प्रॉपर नॉलेज होगी तो डेफिनेटली बच्चों घंटे घंटे की क्लासा लगा के उन्होंने प्रॉपर नॉलेज दे सकते हो तो वधिया पैसा कमा सकते हो, बच्चों के फॉर्म फिल कर सकते हो। इस अलावा अगर तुम आई टी करने तो बाद सी टी की हुई है तो तुम प्राइवेट या सरकारी आई टी आई एज इंस्ट्रक्टर की जॉब भी प्राप्त कर सकते हो, वो भी तुम्हें वधिया इनकम होगी। इस अलावा जो तुम कोपा का कोर्स करते हो तो डेफिनेटली टाइपिंग की स्पीड बहुत वधिया हो जाती है, इंग्लिश टाइपिंग के पंजाबी टाइपिंग की स्पीड वधिया होने करके तुम टाइपिंग का काम भी कर सकते हो, एज ए टाइपराइटर काम कर सकते हो या पार्ट टाइम घर लिया के भी टाइपिंग का काम करके वधिया पैसा कमा सकते हो। तुम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते थोड़ा प्रॉपर नॉलेज हो जाती है, क्योंकि जो आई टी का कोर्स कराया जाता है तो वह बच्चों नैट की भी पूरी नॉलेज दी जाती है, तो तुम ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का काम कर सकते हो या फिर अपना खुद का कैफे खोल सकते हो, क्योंकि टाइम टू टाइम पोस्टा आदि रहा तो सारिया पोस्टा जीडिया ने ऑनलाइन फिल कित जा होंगे ऑनलाइन फॉर्म फिल करके तो जिम्मे अजक सारे कैफे वाले ही किता करते हैं 100-150 रुपया एक फॉर्म फिल करना ले लेंगे हैं, तो डेफिनेटली ऑनलाइन फॉर्म फिल करके अपने खुद के पैसे बचा सकते हो, जिम्मे कोई जॉब आई है तो अपनी जॉब भरनी है तो खुद भर सकते हो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो, अगर तुम कैफे खोलते हो तो डेफिनेटली वधिया पैसा कमा सकते हो। इस तो अलावा जिम्मे थोड़े खुद के डॉकूमेंट ने पहला आप करते अपने पूरे डॉकूमेंट एक फाइल के रखते थे और फाइल जो अपनी इंटरव्यू आप पूरी पूरी फाइल नाल चक्के लै जाते हैं तो वो फाइल कितने ना कि जाके गुम होने चांस होंगे है भी हाँ भी हाँ फाइल कितने भूल ना जाइए अपने पूरे जिंदगी भर की कमाई उस फाइल के होंगी है। बट अजक टेंशन लैन की लड़ नहीं, पूरे डॉकूमेंट को अपनी जीमेल के उत्ते सेव करके रख सकते हो या पेन ड्राइव पा के लैके जा सकते हो तो या फिर तुम अपनी मेल के उपर सेव करके रख सकते हो, तो ये की होंगे तुम्हें प्रॉपर कंप्यूटर की नॉलेज होंगी है तो डॉकूमेंट लाइफ टाइम लिए सेव रेंगे ने, तो तुम इस तरह ढंग के अपने डॉकूमेंट सेव करके रख सकते हो तो अपने आप को अप टू डेट रख सकते हो, क्योंकि टाइम टू टाइम नैट के थ्रू तुम नॉलेज लेंदे रहोगे भी अजक दुनिया में की कुछ हो रहा है। तो ये जो तुम कंप्यूटर का कोर्स किया होगा डेफिनेटली तुम ये सारी नॉलेज ऑनलाइन लै सकते हो। इस तो इलावा अगर तुम कितने भी जॉब कर रहे हो तो तुम किसी दूसरे बंदे नूं भी गाइड कर सकते हो, मतलब कि दूसरे बंदे नूं भी समझा सकते हो तो टाइम टू टाइम होर बंदे नूं अपलोड करने विच उन्हां दी हेल्प कर सकते हो, मीनस कि अजकल कंप्यूटर की नॉलेज बहुत जरूरी है अगर तुम कोपा का कोर्स किया होया है। इस तो अलावा इंडिया के ईजली जॉब प्राप्त कर ही लोगे, इस तो अलावा अगर तुम फॉरन कंट्री जाना चाहते हो जिमें कि आस्ट्रेलिया कनेडा अमरीका कितने भी जाना चाहते हो तो उत्थे भी कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तुहानू पता है कि जो तुम एयरपोर्ट तो नीचे उतरते हो तो उत्थे सारे काम ही कंप्यूटर के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है, तुहाडे पूरी जो रजिस्ट्रेशन होएगी वो भी कंप्यूटर के होएगी, तो मीनस कि अगर तुहानू कंप्यूटर की प्रॉपर नॉलेज होएगी तो तुहानू कितने भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होएगी, क्योंकि फॉरन कंट्रीज दे विच तुसी किसी डॉक्टर तो अपॉइंटमेंट लेनी है या इंटरव्यू देनी है तो सारा काम कहदे लई कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है, तो अगर तुहानू कंप्यूटर की नॉलेज होएगी तो तुसी ईजली उत्थे जाके अपने आप नू उधरले एनवायरमेंट विच मिक्सअप कर लोगे तो तुहानू उधर जाके रहना भी ईजी हो जाएगा। तो इस तो अलावा अगर तुम इंटरव्यू देनी है तो प्रॉपर कंप्यूटर की नॉलेज होएगी तो तुम कंप्यूटर थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू देने दे भी काबिल हो जाओगे, तो ऑनलाइन तुम अपनी जॉब ही लभ सकते हो क्योंकि उत्थे अलग अलग साइट्स बनिया होंगे ने गियाँ उन्होंने उपर अपना रिज्यूमे सेंड कर दोगे तो टाइम टू टाइम अगर तुम चैक करते रहोगे तो विदिन 2 या 3 डेज़ के ईजली उत्थे जॉब मिल जाएगी,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨੈੱਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਪਾ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਡੈਟਸ ਇਟ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੋਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਪਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 98151011843 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।